हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम दो टेबल्स या दो से अधिक टेबल्स के बीच में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराएं। इस पे बहुत सारे वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं, ये भी वीडियो बना रहा हूं ताकि और भी ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेते हैं और ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट नाम का बटन डिस्प्ले होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। और व्यू पे जाना है, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू, दो व्यू दिखेंगे आपको, हमें डिजाइन व्यू में जाना है। और मैं REG1 के नाम से एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर आईडी आ रहा है बाय डिफॉल्ट, इसमें हमको डेटा टाइप नंबर रखना है, ठीक है। स्टूडेंट की आईडी होगी ये, मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ही कर देता हूं, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो इसको हमने नंबर कर लिया। अब यहां पे स्टूडेंट का नेम आएगा, स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब इसको हम टेक्स्ट डेटा टाइप से रखेंगे, ठीक है। इसको यहां से सेव करेंगे, तो ये सेव हो गया। यहां पर कुछ डेटा एंट्री भी कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट नेम राम, रेहान, ठीक है, ये हमने कर लिया। ये 4 स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास है अभी एक टेबल में, ठीक है। इसको यहां से क्लिक करेंगे तो ये यहां से यस करेंगे, इसको सेव करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं ये डेटा हमारे पास मौजूद है। चलिए इसको क्लोज करते हैं। अब क्रिएट पे चलते हैं, दूसरा टेबल बनाते हैं। और दूसरा टेबल में यहां से हम डिजाइन पे जाएंगे और REG2 नाम से एक टेबल और मैं क्रिएट करा लेता हूं, ठीक है। यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर लिखना है रजिस्ट्रेशन REG ID, क्या लिखना है REG ID, ओके। और यहां पे मैं टेक्स्ट डेटा टाइप ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी नाम से जो हमने पहले वाले में डेटा बनाया था, ये देखिए स्टूडेंट आईडी, और इसका डेटा टाइप नंबर मेंशन किया था, उसी तरह से यहां भी कुछ करना है हमें। तो आइए, हमने बनाया है रजिस्ट्रेशन आईडी और टेक्स्ट डेटा टाइप रखा है, और यहां पे बनाते हैं स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और इसका डेटा टाइप जो है हम नंबर रखेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ चुका है। अब इसका देखते हैं, ये भी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आईडी हो गया। एक और हमें इसमें डेटा टाइप मेंशन करना है, जिसका नाम है एडमिशन आईडी, ठीक है। क्या है एडमिशन आईडी, एडमिशन आईडी, ठीक है, ये भी हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप होगा वो भी हम टेक्स्ट ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास ये 3 डेटा टाइप डेटा हमारे पास मौजूद है, रजिस्ट्रेशन आईडी, स्टूडेंट आईडी और एडमिशन आईडी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी में हमने क्या दिया है, देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाके ये हमने रजिस्ट्रेशन आईडी को भी टेक्स्ट दिया है और एडमिशन आईडी को भी टेक्स्ट डेटा टाइप मेंशन किया है, ठीक है। अब चलिए यहां पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आएगा। अब रजिस्ट्रेशन आईडी 101 है, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी 1 है, और एडमिशन आईडी सपोज कीजिए यहां पे A01 है, ठीक है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन आईडी 102 है, ठीक है, और स्टूडेंट का जो आईडी है यहां पे 2 है, ठीक है। और यहां पर 102 है एडमिशन आईडी, ठीक है, और यहां पर 103 है रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। और यहां पर सपोज कीजिए 3 है रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट आईडी, और A04 या 3 है एडमिशन आईडी, ठीक है। इसी तरह से करके हम इसको क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे गए, इसको सेव किया, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर लिया। एक हमें और एंट्री करा लेनी है, 104 यहाँ पे कर दिया हमने रजिस्ट्रेशन आईडी, और स्टूडेंट आईडी को कर देते हैं 4, ठीक है। इसके बाद से A04 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 तक है, और यहाँ भी हमने 4 तक मेंशन करा है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमको अलग से एक और टेबल बनाना है, जिसमें प्राइमरी की बनाना है हमें, तो इसको नाम देते हैं REG3, ठीक है। और इसमें प्राइमरी की बनाना है हमको एडमिशन आईडी को, एडमिशन
आईडी, ठीक है, और इसको हमें प्राइमरी की बनाना है और टेक्स्ट डेटा टाइप ही रखना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया हमने और यहाँ से व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एडमिशन आईडी है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एडमिशन आईडी किस तरह से लिखा हुआ है। ये कैपिटल में इस तरह से हमने दिया हुआ है एडमिशन आईडी और यहाँ यहाँ डबल डी कर दिया, इसको सही कर लेते हैं, सिंगल डी रखते हैं। अब इसको सेव करने की बारी, तो यहाँ से सेव कर लेते हैं, ये हो गया। अब पहले वाले हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एडमिशन आईडी का जिक्र करना है इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A01, A02 ये हमारी एडमिशन आईडी है। तो यहाँ पे A01, ठीक है, A02, A03, A04 ये हमने कर लिया। ठीक है, और यहां से इसको क्लोज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ क्रिएट में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे तीन टेबल्स हमारे पास मौजूद है, तो पहली टेबल को इंसर्ट कराया हमने, देन दूसरी टेबल को इंसर्ट कराएंगे और देन तीसरी टेबल को भी इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, तो ये तीन टेबल यहाँ पहले से रिलेशनशिप क्रिएट होकर आ रही हैं, इसको हम हटा देंगे, हम खुद से रिलेशनशिप इसमें बिल्ड कराएंगे और खुद से इसका आकलन करेंगे कि ये रिलेशनशिप कैसे काम करेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये जो स्टूडेंट आईडी है इसको ठीक स्टूडेंट आईडी के सामने ले जाके रख दीजिए आप, तो ये एक रिलेशनशिप हमारे सामने आ जाएगी। और ये जो एडमिशन आईडी है इसको एडमिशन आईडी के सामने ले जाके रख देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया। ठीक है, हम एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और रजिस्ट्रेशन आईडी और यहां से एडमिशन आईडी को ले सकते हैं। ठीक है, और यहां से रन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूरा डिटेल आ जाएगा एक जगह। ठीक है, अब फायदा क्या है इसका, देखिए यहां पर अगर आप 5 एंट्री करना चाहेंगे, यहां पे 5 किया हमने और यहां पे करता हूं मैं सूर्यांश, स्टूडेंट का नाम है सूर्यांश और यहां पे 105 किया हमने, तो देखिए यहां पे जैसे ही मैं 105 लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कितना भी एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे मैं नहीं लिख पा रहा, कब लिख पाऊंगा मैं। देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी कहां पे है, रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पे है, तो यहां पे हम लिखेंगे 105 लिख दिया। अब यहां पे स्टूडेंट आईडी को मेंशन करेंगे 5, ओके, अब यहां पे A05 किया हमने। ठीक है, और इसको यहां से किया कट, तो अब यहां पर अगर हम लिखना चाहेंगे तो अब हम लिख पाएंगे, जैसे 105, इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं, हमने लिख दिया है। अब देखते हैं कि ये हमारे टेबल में आया है या नहीं, यहां पर क्लिक किया हमने तो ये 104 तक है। ठीक है, यहां पर देखिए ये सूर्यांश, ओके, और यहां पे देख सकते हैं आप 105 ये इसमें अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप जब बिल्ड करा लेंगे तो ये इस तरीके से हम काम कर पाएंगे। यहाँ पे बेस पर कैसे हम जो हमने क्वेरी बनाई है, जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट कराया है, वो कैसे चेंज हो जा रहा है। अगर वीडियो पसंद है तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।